अब हम सलूशन uh, देखते हैं ये टाइम फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी की जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस uh, की है पिछली उसमें टॉपिक में तो सलूशन uh, के अंदर एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि एवरेज वर्कफोर्स मेंटेन करें हम uh, इन्वेंट्री बिल्कुल बिल्डअप ना करें सारी जो डिमांड है वो हम मीट करें ओवर uh, टाइम के ज़रिए और अंडर टाइम और ओवर टाइम दोनों इस्तेमाल करें और जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी जो ओवर टाइम कम्प्लीटली यूटिलाइज करने के बाद जो डिमांड रह जाएगी वो हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ज़रिए उसको मीट कर लें सो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि हम इसमें उसका सोलूशन डिस्कस करेंगे इसके अंदर जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में था कि जो हमारी जनवरी की डिमांड है वो 1700 हंड्रेड यूनिट्स की है जबकि बिगनिंग इन्वेंट्री वन हंड्रेड है तो असल में हमने जो प्रोडक्शन करनी है वो इसको मीट करना है सिक्सटीन हंड्रेड के और फिर ट्वेंटी सेवन हंड्रेड की फेबररी में प्रोडक्शन एंड सो ऑन मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो एवरेज जो है वो बनती है फॉर एग्जांपल मंथली डिमांड हमने ये सारे जो सिक्सटी ये सब का हमने सम किया सेवनटीन हंड्रेड थ्री थाउजेंड थर्टी टू हंड्रेड थर्टी एट हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड और उसमें से बिगनिंग इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर कर छः से डिवाइड कर दिया जो कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स अवेलेबल है तो ये हमारे पास एवरेज आ गया कि ये प्रोडक्शन मैक्सिमम हम कर सकते हैं रेगुलर प्रोडक्शन विद दिस वर्क अब उसके लिए जो वर्क हमने कैलकुलेट करनी है वो बेसिकली ये है कि 2700 हमें एवरेज डिमांड है मल्टीप्लाई बाय फोर क्योंकि हर यूनिट चार घंटे ले रहा है और उसको अगर हम आठ घंटे से डिवाइड करें जो कि एक दिन में अवेलेबल है और एक महीने में पच्चीस दिन है तो उसके बेसिस के ऊपर जब हम सॉल्व करते हैं तो 54 की वर्कफोर्स आती है सो वी विल मेंटेन 54 वर्कफोर्स ऑफ 54, जबकि बिगनिंग वर्कफोर्स वाज थर्टी सो so, उसमें से थर्टी माइनस करें तो ट्वेंटी फोर हमें हायर करने पड़ेंगे अच्छा इसके अलावा मैक्सिमम ओवरटाइम प्रोडक्शन जो है वो हमने प्रॉब्लम के अंदर था कंस्ट्रेंट एक थी कि थर्टी परसेंट ऑफ रेगुलर प्रोडक्शन इससे ज्यादा नहीं कर सकते अब रेगुलर प्रोडक्शन क्या है दैट इज ट्वेंटी क्योंकि ये हमने एवरेज जो लिया है ईच मंथ के लिए ओवर प्लानिंग होराइजन तो वो ट्वेंटी सेवन हंड्रेड है मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री तो मैक्सिमम ओवर टाइम हम एट हंड्रेड एंड टेन यूनिट्स का कर सकते हैं जो कि हम अप्रैल के मंथ में करेंगे क्योंकि अप्रैल में थर्टी एट हंड्रेड की रिक्वायरमेंट है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड उसमें से हमने रेगुलर प्रोडक्शन में मीट कर लिए तो बाकी जो बचे वो एट हंड्रेड एंड टेन से ज्यादा डिमांड बच गई तो उसमें से फिर 810 हमने ओवर टाइम में प्रोडक्शन की और उधर से हमने उसका मीट किया और बाकी जो रह गए 290 यूनिट वो फिर क्योंकि उससे ज़्यादा हैं और ये हम किसी तौर पर मीट नहीं कर सक रहे तो वो हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ज़रिए उसको मीट किया जैसे कि स्ट्रेटजी के अंदर अवेलेबल था कि अगर ओवर टाइम फुल यू, यूटिलाइज करने के बाद भी डिमांड बच जाए तो वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ज़रिए हम उसको मीट करेंगे इसके अंदर कॉस्ट जो है इस प्लान का अगर हम देखें तो एक तो मटेरियल कॉस्ट है टेन डॉलर्स पर यूनिट तो उसके अंदर ये हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ गई सिक्सटीन क्योंकि हंड्रेड यूनिट्स हमने जनवरी में प्रोड्यूस किए तो वो सिक्सटीन थाउजेंड हो गए एंड सो ऑन फिर रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट है रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट हमने कैसे निकाली कि 54 वर्कर्स हैं हर वर्कर एट आवर्स पर डे देता है देर आर ट्वेंटी फाइव डेज अवेलेबल पर मंथ एंड फोर डॉलर पर आवर की कॉस्ट पड़ रही है तो टोटल पर मंथ कॉस्ट हमें जो आ रही है इस वर्क फोर्स की जो कि फिफ्टी फोर वर्कर्स की है वो फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड है और क्योंकि ये हम मेंटेन कर रहे हैं थ्रू आउट द प्लानिंग होराइजन तो ये कॉस्ट हर मंथ इनकर करेंगे इसके अलावा हमारे ओवर टाइम कॉस्ट है ओवर टाइम कॉस्ट के अंदर 810 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए ओवर टाइम में इन अप्रैल और हर यूनिट चार घंटे ले रहे है और ओवर टाइम कॉस्ट पर यूनिट इज सिक्स डॉलर तो उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है फॉर अप्रैल दैट इज नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी यूनिट तो ये अप्रैल की हमारे पास कॉस्ट आ गई और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए बेसिकली हमने टू हंड्रेड एंड नाइन्टी यूनिट्स प्रोड्यूस किए अप्रैल में सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ज़रिए और थर्टी डॉलर्स पर यूनिट सब कॉन्ट्रैक्टिंग की कॉस्ट है तो वो एट्टी सेवन हंड्रेड की कॉस्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग की आ गई इन अप्रैल अगर ये हम टोटल कर लें सारे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है इस स्ट्रेटजी की वो फोर हंड्रेड एंड एटी फोर थाउजेंड सेवन डॉलर्स बनती है जो कि ये हमने ये जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी की इस प्लान की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की